मित्रों, आपको हैरत नहीं होती, आपको दुख नहीं होता जब कुछ लोग अपने देश भारत के बारे में कई बार नकारात्मक और बेकार टिप्पणियां करते हैं? स्वामी विवेकानंद को होता था, हमारे युवा नायक युगद्रष्टा स्वामी विवेकानंद को दुख होता था, हमें भी होना चाहिए। उन्होंने कहा एक बार, हम सभी भारत के पतन के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं, कभी मैं भी इस पर विश्वास करता था, मगर आज अनुभव की दृढ़ भूमि पर खड़े होकर दृष्टि को पूर्वाग्रहों से मुक्त करके और सर्वोपरि अन्य देशों के अतिरंजित चित्रों को प्रत्यक्ष रूप से उचित प्रकाश तथा छायाओं में देखकर मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं भारत के बारे में, जब वो पूरी दुनिया को देख करके आते हैं कि भारत के बारे में लोगों ने जो जो कहा कि भारत कैसा है कैसा है, उसके बाद वो कहते हैं मैंने सारे पूर्वाग्रह हटा दिए अपने, और उसके बाद मैं देखता हूँ तो मैं अपने आप में अनुभूति करता हूँ कि मैं गलत हूँ। वे आगे कहते हैं, हे आर्यों के पावन देश, तू कभी पतित नहीं हुआ, राजदंड टूटते रहे और फेंके जाते रहे, शक्ति की गेंद एक हाथ से दूसरे हाथ उछाली जाती रही, पर भारत में दरबारों तथा राजाओं का प्रभाव सदा अल्प लोगों को छू सका। उच्चतम से निम्नतम तक जनता की विशाल राशि अपनी अनिवार्य जीवनधारा का अनुसरण करने के लिए मुक्त रही, और राष्ट्रीय जीवनधारा कभी मंद तथा अर्धचेतन गति से और कभी प्रबल और प्रबुद्ध गति से प्रवाहित होती रही। मैं उन 20 ज्योतिर्मय सदियों की अटूट श्रृंखला के सम्मुख विस्मयाकुल खड़ा हूँ, जिनके बीच यहाँ वहाँ तक एक धूमिल कड़ी है जो अगली कड़ी को और भी ज्योतिर्मय बना देती है, और इनके बीच मेरी जन्मभूमि पशु मानव को देव मानव में रूपांतरित करने में अपने यशोपूरित लक्ष्य को पाने हेतु, जिसे धरती या आकाश की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, अपने महज महिमामय से पदक्षेप के साथ अग्रसर हो रही है।